एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ इवनिंग से, और इवनिंग का हो गया है 5। तो आज थोड़ी सी धूप निकली थी, काफी दिनों बाद निकली थी। एक्चुअली 3-4 दिन से ज्यादा ही हो गए हैं मेरे ख्याल से धूप नहीं निकली थी। आप सब लोगों ने भी वेदर देखा होगा कैसा था। तो हमारे यहाँ तो 4 दिन से मतलब बारिश हो रही थी, एक दिन हो रही थी, एक दिन नहीं हो रही थी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कपड़े वगैरह सूखने में। आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम था मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज बड़ी मुश्किल से धूप निकली थी थोड़ी सी, तो सारा काम अच्छे से हो गया। और लगातार मतलब बारिश वाला मौसम रहता है ना, तो मन नहीं करता कुछ काम करने का, और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और काफी दिनों बाद धूप निकली थी तो काफी अच्छा भी लग रहा था। तो आज मैं किचन में हूं तो जरूर कुछ ना कुछ बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ राम लड्डू। और राम लड्डू क्या होते हैं, मतलब जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो अभी जान जाएंगे। तो मैं दिल्ली से हूँ, मतलब जो मेरा बेस है वो तो उत्तराखंड से है। तो हूँ मैं उत्तराखंड से, बट बचपन से दिल्ली में रहती हूँ, और फिलहाल लास्ट 2 ईयर से मैं भटिंडा की निवासी हूँ। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जब हम लोग दिल्ली में रहते थे तो वहां पर राम लड्डू जो थे बहुत ज्यादा फेमस थे, और स्पेशली लाजपत नगर के तो बहुत ही ज्यादा फेमस थे। तो हम लोग लाजपत नगर के पास ही रहते थे, तो जब भी वहां पर जाना होता था तो वहां से हम लोग राम लड्डू खा लेते। और दिल्ली की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आके मैं बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज यहाँ पर वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो आज मैंने सोचा कि ना राम लड्डू बनाए जाए। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी में सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं मूली के पत्ते, थोड़े से मैंने ले लिए हैं धनिया के पत्ते, और साथ ही थोड़े से मैंने लिए हैं यहाँ पर पुदीने के पत्ते। तो ये मुझे इतने ही मिले, अगर आप लोगों को थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, और ले लिया है एक नींबू। तो अब सबसे पहले मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेती हूँ, और अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ये सेव, जिससे कि इसको एक बाइंडिंग मिल जाएगी, वरना ये जो चटनी है बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। और इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें नींबू का रस। तो जो मैंने नींबू लिया था वो पूरा नींबू का रस जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पूरा का पूरा। तो यहाँ पर नींबू रस डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, साथ में थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे एक पीस लूंगी। तो यहाँ पर चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब करते हैं हम बात राम लड्डू की। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल, 1/4 कप चना दाल, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर जो व्हाइट वाली उड़द दाल होती है जिसे हम वड़े भी बनाते हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और इसको मैंने भिगा कर रख लिया था ओवरनाइट के लिए, तो कम से कम इसे 5 से 6 घंटे आप भिगा लें। और अब मैं इसे भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। तो इसको मैं जिसमें चटनी मैंने बनाई थी सेम जार में ही मैं डाल रही हूँ, बिकॉज बाद में भी हमें थोड़ी सी चटनी ऐड करनी पड़ेगी, तो इसी में मैं डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक अच्छा पेस्ट जो है हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर बैटर मैंने बना लिया है इसको, और अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूंगी। इसे हम वड़े के लिए फेंटते हैं, मतलब एकदम मक्खन जैसा जो पेस्ट होता है उस तरीके से हमें इसे बनाना है। और इसके लिए मैं यूज करूंगी अपने हैंड्स का, तो फटाफट से मैं इसे फेंट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से फेंट लिया था। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में पानी ले लिया है, और थोड़ा सा बैटर मैं इसमें से पानी में डालकर चेक करूंगी। तो यहाँ पर ये बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए ये ऊपर आ गया है, इट मीन्स आपका जो बैटर है वो अच्छे से फूल गया है, अच्छा फ्लफी हो गया है, और अब इसके आप इजीली पकोड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच चटनी, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से एक बारी मिला लूँगी। तो यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म ही था, बिकॉज़ मैंने अपने बेटे के लिए जो चिप्स थे वो फ्राई किए थे। तो यहाँ पर हाथ से ही मैं ये डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं लगता है आप हाथ से डाल सकते हैं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर ही आप गैस को रखिएगा, एंड जब सारे ये पकोड़े आप डाल दें इसमें तो इसको ऊपर से आप तेल डालिएगा, वो एकदम गोल अपने आप हो जाएंगे और अच्छे से फूल जाएंगे। तो मीडियम आँच पर हल्का सा क्रिस्पी होने तक इनको आप पकाइए। मैंने अपनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, चटनी की रेसिपी आपको दे दी है, राम लड्डू की रेसिपी आपको दे दी है। इसकी रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मल सी मूली है। मूली को मैंने यहाँ पर घिस लिया है, उसके ऊपर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा ये चाट मसाला। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पर प्लेटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं राम लड्डू को रख लेती हूँ,
और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चटनी। तो ये चटनी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ये मिक्स करके कद्दूकस की हुई मूली। तो यहाँ पर हमारे राम लड्डू की प्लेट रेडी हो गई है, अब आप इसे आराम से खा सकते हैं। हम सब ने राम लड्डू खा लिए हैं, मैंने अपनी नेबर को भी दे दिए हैं और उसको भी काफी अच्छे लगे। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आई थी तो वो मुझे चाउमीन दे के गई है। तो हमारा ऐसे ही चलता रहता है, मतलब देना लेना कुछ भी बनाओ और अच्छा भी लगता है अगर नेबरहुड में कुछ हो गया, ये भी हो गया। तो अच्छा लगता है अगर आपका नेबर अच्छा हो, आपके नेबरहुड अच्छा हो तो काफी मन भी लगा रहता है। खैर ये तो सबके साथ अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, किसी के साथ कैसा होता है किसी के साथ कैसा होता है। और डिनर वगैरह मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया है, अभी बस मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है और उसके बाद फिर हम डिनर वगैरह करेंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ। टिल देन बाय।